में घुसपैठियों से सामना हुआ। रिपीट, स्क्वाड 3 का दुश्मनों से सामना हुआ। लेफ्टिनेंट सिंह की पेट्रोल 3 टीम को जिस आखिरी विरोधी का सामना करना पड़ा वो थे भूस्खलन से गिरे पत्थर और चट्टान। तो भाई लोग क्या हालचाल? पापा यार ठीक हो गए? भाई देखो जज मत करना, कपड़े देख के मुझे जैकेट बहुत बढ़िया लगती है तो मैं यही पहनता रहता हूँ, पर ये हाईनेक तो बस उतारने का मन ही नहीं करता। तो यार फाइनली अपना फौजी गेम आ चुका है, और भाई देखो जिस हिसाब से हमने सोचा था ना कि फौजी गेम ऐसा होगा वैसा होगा, देखो वैसा तो नहीं आया, बट जैसा आया है देखो गेम को बुरा भी नहीं कह सकते और ज़्यादा बढ़िया भी नहीं कह सकते, और पबजी की टक्कर का भी नहीं है बिकॉज वो मल्टीप्लेयर नहीं है, सिर्फ एक ही हम अकेले खेल सकते हैं उसे। तो भाई जाके देखो गेम को, मैंने गेम स्टार्ट करा है, छोटे सी क्लिप है 5 मिनट की, देखो पूरी स्टोरी समझो, देन उसके बाद भाई उसके बाद क्या, इसके बाद एक और वीडियो आएगी ट्रैवलिंग की, देन उसके बाद फौजी का एपिसोड आएगा मेरे चैनल। तो भाई जो जो चैनल पर नया जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, जिससे कि जब मैं डालूंगा कोई भी वीडियो तो नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो जाओ यार जाके देखो ट्रेलर। जून दोपहर 2 बजे गलवान घाटी हिमालय की ऊंचाइयों पर भारतीय सीमा का एक सुदूर वीरान इलाका। कॉर्पोरल अहमद बेस को खबर देते हैं कि फॉरवर्ड पोस्ट से झंडा नदारद है। सर देखिए वहाँ और भी है। पर्वतों पर उस दिन फौजी कमांडोज अकेले नहीं थे, दुश्मन सैनिकों ने गिरते पत्थरों की आग लेकर फौजी यूनिट पर धावा बोल दिया। कबीर बेस कैंप स्क्वाड 3 का भारतीय क्षेत्र में घुसपैठियों से सामना हुआ। रिपीट, स्क्वाड 3 का दुश्मनों से सामना हुआ। लेफ्टिनेंट सिंह की पेट्रोल 3 टीम को जिस आखिरी विरोधी का सामना करना पड़ा वो थे भूस्खलन से गिरे पत्थर और चट्टान, और फिर अंधेरा छा गया। 6 घंटे बाद जब लेफ्टिनेंट सिंह की आंख खुली तो उनका सर चकरा रहा था। पहाड़ से हुई पत्थरों की उस बौछार से खरोंचों और घावों के साथ उनके सर पर भी चोट आई थी। अहमद, ढिल्लो, रवि। फिर भी उनकी हालत उन दोनों फौजी भाइयों से बेहतर थी जो उनके पास बर्फ में शहीद हो चुके थे। कम से कम वो जिंदा तो थे। भारतीय सेना बिना लड़े कभी हार नहीं मानती और फौजी कभी पीछे नहीं हटता। ये लड़ाई ऐसे खत्म नहीं होगी, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। बहादुरी, भाईचारे और भारत के लिए फौजी।
हाँ तो गाइस कैसा लगा भाई तुम्हें ट्रेलर? उम्मीद करता हूँ जरूर बढ़िया ही लगा होगा, और अगर नहीं भी बढ़िया लगा हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ भाई, ठीक है? मुझे पता भाई बढ़िया लगा होगा, 100 में से 60% लोगों को बढ़िया लगा होगा, कुछ को नहीं लगा होगा, कुछ को लगा होगा, जैसा भी है। बट भाई देखो गेम बढ़िया है, गेम को हम बुरा नहीं कह सकते, बिकॉज हमारी इंडियन आर्मी की स्टोरी है, तो बुरा तो बिल्कुल भी नहीं कहना भाई, हमारी इंडियन आर्मी से रिलेटेड है, बिकॉज उसके अंदर अगर आपने स्टोरी सही से सुनी हो तो गलवान घाटी का भी जिगर हुआ 14 जून को, कुछ हुआ होगा मेरे को देखो इतना ध्यान नहीं है, तो उसके अंदर जिगर हुआ सब चीज़ों का। तो भाई गेम बुरी नहीं है, गेम बढ़िया है, हमारे इंडियन गेम है, और हमें प्राउड फील करना चाहिए कि भाई हमारे सोल्जर्स के ऊपर ये गेम निकली। तो भाई ये वीडियो इतनी ही रखते हैं, ठीक है? देन मिलते हैं अगली एक ट्रैवलिंग वीडियो में, देन उसके बाद मिलते हैं फौजी के रियल एपिसोड में। So, bye.